हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे एक एनिमल हस्बेंड्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें से आपके आईबीपीएस, एसओ और प्री पीजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक है। तो अपन जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं तो उसमें जो ब्रीडिंग वाला जो टॉपिक है तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, एस्ट्रस साइकिल इन कैटल्स या एनिमल्स अपन बोल सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो क्या है। तो बेसिकली अगर अपन एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो जो एनिमल हस्बेंड्री है एक साइंस अपन बता सकते हैं या एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जिसमें अपन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनका अपन जो है हाउसिंग और उनकी फीडिंग, ब्रीडिंग और ये हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सारी प्रैक्टिसेज इसमें इंक्लूड करते हैं। तो एनिमल जो है डोमेस्टिक एनिमल का अपन हाउसिंग केयर, हेल्थ केयर है या फिर फीडिंग और ब्रीडिंग जो अपन प्रैक्टिस करते हैं इसको अपन बोलते हैं हस्बेंड्री। तो अपन कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक साइंस है जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को कई प्रकार की जो प्रोसेस है या प्रैक्टिसेज है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो इसी का एक टॉपिक है, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है उसमें इम्पोर्टेंट जो स्टेप हैं या स्टेप जिनको अपन कह सकते हैं कि अपन चैप्टर है, तो इसमें अपन बात करेंगे जो आगे के वीडियो रहेंगे उसमें बात करेंगे अपन ब्रीडिंग। तो अगर अपन ब्रीडिंग चैप्टर की बात करें तो लास्ट ईयर जो है इसमें आपको पता है कि जो आपका प्री पीजी है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से जो 3 क्वेश्चंस हैं वो अकेले किससे आए हैं, ब्रीडिंग में से, एनिमल ब्रीडिंग में से आए हैं। तो अपन बात करेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग है उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, इनके टाइप्स अपन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज में उसमें डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार अपन बात करें फीडिंग, तो फीडिंग में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर पूछा गया है कि जो आपका मिल्किंग एनिमल्स है उसको कितना अपन फोडर खिलाते हैं और कितना उसको कंसंट्रेट है वो अवेलेबल करवाते हैं। इसी प्रकार जो है आपके आईबीपीएस एसओ में भी फीडिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अपन रफेज और कंसनट्रेट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं हाउसिंग, लगातार 3 या 4 साल से जो है प्री पीजी में पूछा जा रहा है कि हाउसिंग के लिए जो स्पेस होता है, प्रॉपर जो एनिमल है यानी जो इंडिविजुअल एनिमल्स हैं उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी जो अवेलेबल अपन करवाते हैं उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जिसमें अपन बात करें जो टेल टू टेल सिस्टम है या फेस टू फेस सिस्टम है, तो ये भी अपन डिटेल में डिस्कश करेंगे। तो हाउसिंग के लिए स्पेस जो है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में बात करें अपन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे अपन एक तो देखते हैं हेल्थ और दूसरा होता है केयर मैनेजमेंट। तो हेल्थ की अगर अपन बात करें तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो वेरियस काइंड ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, आपके प्रोटोजोआ है और वायरस है, तो इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनमें से हमेशा क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में बात करें अपन जो वीडियो रहेगा उसमें। उसके बाद में बात करें अपन केयर मैनेजमेंट, केयर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपका न्यू बॉर्न काफ होता है एनिमल्स में, न्यू बॉर्न काफ होता है उसका अपन केयर मैनेजमेंट किस हिसाब से करते हैं, साथ ही जो आपकी हीफर जो होती है, प्रेग्नेंट एनिमल्स जो होता है उसको किस प्रकार अपन जो फूड है या फीडिंग जो अपन करवाते हैं, एक्स्ट्रा फीडिंग करवाते हैं, तो ये सारी डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। तो इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को ये सारी फैसिलिटी अपन अवेलेबल करवाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो ये है कि जो ब्रीडिंग चैप्टर है उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो है एस्ट्रस साइकिल ऑफ कैटल्स। तो चलिए बात करते हैं अपन एस्ट्रस साइकिल की। देखिए यहां पे अपन बात करें जो एस्ट्रस साइकिल है इसको आप देख पा रहे हैं, तो अपन बात करें एस्ट्रस साइकिल की तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कई प्रकार से या किसी भी प्रकार से वो घुमा फिरा के आपको पूछ लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो साइकिल होती है, टोटल जो साइकिल होती है इसकी जो लेंथ होती है, जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें, इंडिविजुअल जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली अपन बात करें जिसमें आपके काऊ है, बफेलो है और गोट है, उसमें ये 21 डेज का होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो आपके काऊ, बफेलो और गॉट है उसमें एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो कितने डेज का होता है, तो वो कितने का होता है, 21 डेज का। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है। अब ये जो 21 डेज है इनको अलग अलग जो है फेज में है वो डिवाइड किया गया है
जिसमें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट ईयर आपके जो IBPS SO के एग्जाम में पूछा गया है कि जो स्ट्रेस साइकिल होता है इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट फेज जो है वो कौन सी होती है, तो आज अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस साइकिल है इसकी कौन कौन सी फेजेस होती है और कौन सी फेज में किस प्रकार चेंजेस आते हैं। साथ ही अपन बात करेंगे ड्यूरेशन का, तो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो ये देख रहे हैं आपको, सबसे पहला जो है वो है प्रोस्ट्रस। कौन सा है? प्रोस्ट्रम, जो कितना दिन का होता है? 2 डेज का होता है। उसके बाद में होता है ऑस्ट्रम, जो कितना होता है? 24 आवर्स का, यानी कि 1 डे का। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ 2 डेज ड्यूरेशन है, यहाँ पे कितने हैं? 1 डेज। उसके बाद में बात करें मेटास्ट्रेस, वो होता है 4 डेज का, और डायस्ट्रेस जो होता है वो होता है 14 डेज का। तो एग्जाम में आपके IBPS ऐसे में पूछा गया है कि स्ट्रेस साइकिल जो होता है केटल का, उसमें से सबसे छोटी फेज कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? ऑस्ट्रम। अब देखते हैं इनको डिटेल में कि इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो ये आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें अपन डिटेल में, तो सबसे पहला जो है वो है आपका प्रोस्ट्रम, ठीक है? अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए। पीरियड ऑफ बिल्डिंग अप द ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स विच हेल्प द नरिशमेंट ऑफ ओवन फ्लड, यानी कि जो ऑन होता है उसको क्या होता है, ये इसमें जो ग्रोथ होती है ग्राफिन फोलिकल्स की, तो वो उसको क्या अवेलेबल करवाता है? नरिशमेंट अवेलेबल करवाता है। और इस फ्लड में क्या होता है? एक हार्मोन होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? ऑस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है? इस ऑस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इससे क्या होता है? इट काज चेंजेस इन यूटेरस, ठीक है, ब्लड सप्लाई, और इसका ड्यूरेशन होता है 2 डेज का। कहने का मतलब जो प्रोस्ट्रम जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो ऑन फ्लड होता है उससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, और वो जो हार्मोन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है एग्स को, और उससे क्या होता है कि जो यूटेरस है उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो वो होता है 2 डेज का। तो एग्जाम पूछा जा सकता है आपके कि जो प्रोस्ट्रस होता है, प्रोस्ट्रम जो होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है और उसमें क्या चेंज होता है। तो हार्मोन जो है इसमें सिक्रेट होता है जो क्या होता है, ऑन को जो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसी प्रकार अपन बात करें सेकेंड की, जिसका नाम है ऑस्ट्रम, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसी फेज है जिसमें जो फीमेल है वो मेल से जो है मेटिंग के लिए क्या होती है? रेडी होती है। और ये पीरियड जो होता है वो होता है ओनली 1 डेज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो ऑस्ट्रम होता है वो कितने दिन का होता है? 1 डेज का होता है। और इसमें जो फीमेल होती है वो मेल से मेटिंग के लिए क्या होती है? रेडी होती है। और यही पीरियड होता है जिसमें अपन फीमेल और जो मेल होता है उसका क्रॉसिंग करवाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन मेटास्ट्रम। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है इसका क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। और इसमें जो कार्पस लूटियम है, ठीक है, कार्पस लूटियम है, इसकी ग्रोथ होती है। और ये क्या कितने दिन का होता है? 4 डेज का। ये कितने दिन का होता है? 4 डेज का होता है, जिसमें कार्पस लूटियम द्वारा क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो है इसमें उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टेज है वो है डाइस्ट्रम, ठीक है? और डाइस्ट्रम में क्या होता है कि पुनः क्या होता है, यूटेरस में डेवलपमेंट हो जाता है। जो यूटेरस होता है उसका दोबारा से क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि अगर एनिमल जो है उसको वापस से अपन जो है क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं तो वापस से पुनः क्या होता है कि एम्ब्रियो का निर्माण, जो ऑन है उसका पुनः से निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज का होता है। और एस्ट्रस साइकिल जो होता है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? डाइस्ट्रम। तो सबसे छोटी स्टेज मैंने बता दी आपको, सबसे छोटी कौन सी है? ऑस्ट्रस, ऑस्ट्रम है, और सबसे बड़ी कौन सी है? डाइस्ट्रम, ठीक है? तो ये आपको स्टेजेस के जो ड्यूरेशन है वो याद रखना है, और कौन से स्टेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में बात करें अपन कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रॉसिंग अपन करवाते हैं तो उसका ऑप्टिमम टाइम है वो क्या होना चाहिए।
तो अपन जनरली देखते हैं कि जो हीट स्टार्ट हुआ है, आपका स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट होता है, उसके जो लास्ट 12 ही जो हावर्स बचते हैं, ठीक है, टोटल जो 12 आवर्स बनते हैं बचते हैं, जिसमें अपन बात करें जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनका, किसी में 12 से 36 घंटे का होता है, किसी में 48 घंटे का होता है, किसी में 24 आवर्स का होता है, तो हीट पीरियड जो होता है उसकी जो लास्ट 12 आवर्स जो बच रहे हैं उनमें अपन क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपन करवा सकते हैं या नेचुरल क्रोशिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इसका ऑप्टिमम जो टाइम है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें जो एग होता है या ओवा जो होता है फ्रॉम ओवेरी, तो वो रिलीज कब होता है, 12 से 18 हावर्स बाद में, ठीक है। यानी सिम्टम्स जो अपियर होते हैं हीट के, उसके 12 से 18 घंटे बाद में क्या होता है, ओवेरी से एग क्या होता है, रिलीज होता है। इसी प्रकार बात करें ओवियम जो होता है विल सर्वाइव 16 हावर्स, यानी 16 हावर्स जो है वो ओविन जो है वो क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। स्पर्म की बात करें तो वो 12 से 14 घंटे तक क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अगर अपन जो ओवम है उसका स्पर्म जो है उससे अगर मिलन इस टाइम में नहीं होता है, ठीक है, इस टाइम में नहीं होता है, तो उसके बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार अपन बात करें कि जो अपन अप्रोप्रिएट टाइम मानते हैं, तो अगर मॉर्निंग में साइन अपियर्स हुए हैं, मॉर्निंग में अगर साइन अपियर्स हुए हैं हीट के, तो अपन जो लेट इवनिंग है या अपन दूसरे दिन जो है अपन इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लास्ट के 12 आवर्स हैं उस दौरान अपन क्या करवाते हैं, इसके क्रॉस करवाते हैं। अब देखिए ये जो साइकिल है इसका पता कैसे चलता है, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे ये अपीयर होता है कि जो आपका डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कैटल हो बफेलो हो, वो स्ट्रेस साइकिल है उसमें चल रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ हीट, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफ फीड, यानी कि जो भी एनिमल होगी फीमेल एनिमल होगा वो क्या होगा, खाना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरा है ड्रॉप इन मिल्क यील्ड, जो उसका प्रोडक्शन है मिल्क का, जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसके द्वारा भी अपन पता लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो रेस्टिंग एंड एक्साइटेड आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बेलोविंग जो जनरली क्या होती है, रंभाना जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार जो वेजाइना होती है उससे ट्रांसपेरेंट जो लेटेक्स है वो क्या होता है, सिक्रेट होता है, डिस्चार्ज होता है। और जो एनिमल्स होते हैं फीमेल एनिमल होते हैं वो तो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, माउंट करने लग जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो एनिमल है वो हीट पीरियड जो है उसमें चल रहा है, हीट जो है वो चल रही है। तो अपन ने लेट जो आपके बात की कि जो लास्ट की जो 12 हावर्स हैं उसमें क्रॉसिंग अपन करवाते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें और ऑस्ट्रस जो साइकिल होती है वो किस प्रकार चलती है और कौन सी फेज में अपन जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें हीट पीरियड की, तो हीट पीरियड जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिसमें काऊ बफेलो और गॉट सीप है, तो इनका अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, किसी में 12 से 36 घंटे का होता है, किसी में 1 से 2 दिन का होता है। और बात करें अपन स्वाइन की, तो उसमें 1 से 5 दिन का जो है हीट पीरियड जो है वो होता है, ठीक है। साथ ही अपन ने बात की कि जो एस्ट्रस साइकिल होता है उसके जो अलग अलग जो फेजेज होती है तो उनका ड्यूरेशन जो है वो किस प्रकार होता है, जिसमें अपन ने बात की सबसे लॉन्गेस्ट फेज की, सबसे शॉर्टेस्ट फेज की, और उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो वो अपन ने बात की। तो यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर जो है अभी आपका जो एग्जाम हुआ है 2019 IBPS का, तो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें बात करेंगे ब्रीडिंग मेथड की, तो एनिमल ब्रीडिंग मेथड में से लास्ट ईयर जो है वो 3 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो टोटल जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो वेटेज है उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो एनिमल ब्रीडिंग है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे कि जो हाइब्रिड्स बनाई गई है जिसमें अपन काऊ हाइब्रिड्स या बफेलो हाइब्रिड है या सीप के जो हाइब्रिड्स है, तो उनकी अपन बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।